Assalamu alaikum dear students, how are you? Today we are going to complete exercise of poem Rain in Summer. So second part is grammar. The use of indefinite articles a and an. Articles definite the article ko kehte hain aur indefinite a and an ko. To iska usool ye hai ki a jo hai this one ye aapko bataye ए दिस वन इसको हम कब यूज करते हैं इसको हम उस वक्त यूज करते हैं जब एक वर्ड के स्टार्ट में कंसोनेंट साउंड हो लाइक आप कह लें बुक बुक जो है उसका कंसोनेंट साउंड ब साउंड है तो उससे पहले हम ए लगाएंगे और एन कहां पे लगाएंगे एन हम वहां पे लगाएंगे जहां पे एक वर्ड है जिसका स्टार्टिंग में साउंड जो लेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाउल साउंड है ठीक है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे एन तो फॉर एग्जांपल ऑक्स एन ऑक्स एन ऑक्स अ बुक अ टेबल एग्जांपल देखते हैं हम यहां पे देखें अब ए बिफोर कंसोनेंट साउंड्स अब यहां पे कंसोनेंट साउंड है ब साउंड है छ साउंड है साउंड है एंड देन म साउंड है मैन में इन वर्ड के स्टार्ट में कंसोनेंट साउंड है तो तब यहाँ पे हम ए लगाते हैं अब आते हैं एन की तरफ तो यहाँ आप देखें एप्पल ए आई साउंड आई में ऑक्स ओ साउंड ऑक्स में एंट ए साउंड एंट में तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे स्पेशल यूज कौन सा ए बिफोर वाउल साउंड एज यू एंड व यूनियन ठीक है यूनियन तो य साउंड यहां पे आएगा तो आई हम यूज करेंगे अ यूजफुल बुक एन बिफोर कंसोनेंट साउंड्स एज वाउल अब यहां पे कुछ लेटर ऐसे हैं जो होते कंसोनेंट है लेकिन साउंड यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाउल का जैसे एन आर एच जो है वो कंसोनेंट लेटर है लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाउल का है तो एन आर आर तो अ का साउंड जो है ना वो स्टार्ट में हो रहा है इस वजह से एन लगाएंगे एन एम ए ए ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एम ए एम तो है कंसोनेंट लेटर लेकिन प्रोड्यूस साउंड कौन सा कर रहा है वो वाउल का तो एन लगाएंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द द जब कब हम यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन खास शख्स या खास चीज का नाम ले रहे हो तो हम यूज करेंगे The he saw the teacher. Teacher means the teacher means specific teacher. Maths का teacher होगा. For example, meaning some particular teacher. The definite nouns and uncountable nouns. For example, the definite nouns or uncountable nouns के साथ भी हम use करते हैं the box, the boxes. The definite nouns and uncountable. For example, the box, the boxes, the milk, etc. तो ये वर्ड यूज किए गए हैं एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टू गेदर तो फ साउंड की वजह से आया बिलाल इज अ बिजनेसमैन अली इज एन इंजीनियर एस साउंड की वजह से द ओल्ड मैन स्पेसिफिक इस वजह से शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश आई साउंड English, in आगे an ounce, ounce तो यहां पे vowel sound produce हो रहा है इस वजह से an लगाया Rabia is a university student. अब यहां पे हमने a an और the लगाना है in fill in the blanks में gold is a precious metal. Do you see the blue sky? Only the blue sky इस वजह से हम कह रहे हैं She returned after an hour. एच साउंड जो है ना वो सॉरी एच लेटर जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अ का इस वजह से एन लगाया है द सन शाइन्स ब्राइटली स्पेसिफिक किया है इस वजह से मक्का इज अ होली सिटी लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली हु इज द बॉय सिटिंग देयर एंड देन प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लेइंग द स्ट्रेस एट प्रॉपर सिलेबल तो अब देखें जो प्रेजेंट है
इसमें दो स्लेबल है, तो दो स्लेबल में आप देखें जो ये पहला स्लेबल है दिस वन, ठीक है, ट्री, तो ये इसमें इसने कहा है कि प्रीजेंट, प्रीजेंट, अब आप देखें प्री और जेंट, जेंट में ज्यादा स्ट्रेस है तो ये नाउन है प्रीजेंट। अब यहां पे आते हैं, स्ट्रेस यहां पे आ गया जी, ठीक है, और यहां पे स्ट्रेस नहीं है, यहां पे डाउन है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट पे पहले कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट पे ज्यादा स्ट्रेस है इस लेबल पे, एंड ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे स्ट्रेस ज्यादा है, ये वर्ब के तौर पर है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब, यहां पे स्ट्रेस है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस नहीं है, ऑब्जेक्ट, अब देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्क है ना, ऑब में ज्यादा स्ट्रेस दी है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन बन गया और ये वर्ब बन गया, तो इस तरह से हम स्लेबल को स्ट्रेस देते हैं।